टेलीफोटो लेंस। वेल, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल कैमरा लेंस है। ये जो लेंस है या फिर कह लो कैमरा है, आपको ज्यादातर यहाँ पर आपको मिड रेंज स्मार्टफोनों में या फिर कह लो फ्लैगशिप स्मार्टफोनों में देखने को मिलता है। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पर आपने देखा होगा दोस्तों, जितने भी फोटोग्राफर होते हैं जो यहाँ पर क्रिकेट के टाइम पे या फिर फुटबॉलर के टाइम पे, जो भी फुटबॉल खेलते हैं उसके टाइम पे, यहाँ पर आपने देखा होगा फोटोग्राफर काफी कमाल कमाल के पिक्चर्स क्लिक करता है। इवन वो प्लेयर के पास भी नहीं होता, एक बहुत ही दूरी पर बैठा रहता है, तब भी वो कमाल के पिक्चर्स क्लिक करता है बेहतर डिटेलिंग के साथ, बेहतर बैकग्राउंड में बोके इफेक्ट के साथ। कैसे? वेल, यहाँ पर फोटोग्राफर दोस्तों इस्तेमाल करता है टेलीफोटो लेंस का। अब यहाँ पर जो फोटोग्राफर है वो कोई क्रिकेट खेल रहा हो या फिर फुटबॉल खेल रहा हो, अब वो बीच बीच में जाके फोटोज तो क्लिक नहीं करेगा ना, ऑब्वियसली बात है, ये पॉसिबल नहीं है, उसको चोट लग जाएगी या फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि ग्राउंड में किसी थर्ड पर्सन को यहाँ पर अलाउड करे। तो यहाँ पर दोस्तों जो फोटोग्राफर होता है वो एक एरिया पे, मतलब एक बाउंड्री के बाहर बैठा रहता है, जहाँ पर वो टेलीफोटो लेंस का इस्तेमाल करता है और उसकी मदद से जो प्लेयर्स होते हैं उनकी फोटोज लेता है। तो टेलीफोटो लेंस में बेसिकली वो जूम करता है, दूर की चीज़ों को पास लाता है और उसके बाद फोटोज क्लिक करता है, जिससे आपको जो ऑब्जेक्ट होता है या फिर कह लो जो प्लेयर होता है उस पर जो फोकस है वो आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। साथ में बैकग्राउंड में जो आपको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड या फिर कह लो बैकग्राउंड में जो बोके इफेक्ट है वो भी आपको बढ़िया देखने को मिल जाता है। सेम दोस्तों इसी तरह यहाँ पर आप स्मार्टफोन के कैमरे में भी यहाँ पर आप टेलीफोटो लेंस का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप DSLR जितना तो जूम नहीं कर सकते, बट यस, यहाँ पर आपको स्मार्टफोन के कैमरे में जो टेलीफोटो लेंस दिया होता है इसमें आपको 2x ऑप्टिकल जूम, 3x ऑप्टिकल जूम या फिर 5x ऑप्टिकल जूम ऐसे कुछ देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको जितना ऑप्टिकल जूम यहाँ पर आपको दिया गया है उतना आप जूम कर सकते हो और उतनी उतने ही जूम पे यहाँ पर करके आप इमेज को पास ला सकते हो और जो पिक्चर है वो क्लिक कर सकते हो, जिसके बाद फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपके कैमरे में यहाँ पर टेलीफोटो लेंस दे रखा है 2x ऑप्टिकल जूम के साथ, तो यहाँ पर आप 2x जूम कर सकते हो, जिसके बाद जो इमेज की क्वालिटी है वो डिक्रीज नहीं होगी या फिर कह लो जो पिक्सल है वो फटे हुए आपको नहीं दिखाई देंगे, जो इमेज की क्वालिटी है वो उतनी ही बढ़िया होगी जितनी नॉर्मल मोड में होगी। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, जो चीज़ है वो पास आ जाएंगी, जिससे क्या होगा जो ऑब्जेक्ट मेन है उस पर अच्छे से फोकस हो जाएगा और जो बैकग्राउंड में चीजें हैं वो अच्छी तरह से आपको ब्लर देखने को मिल जाता है। तो यहां पर आप दूर की चीजों को सिंपल सा यहां पर पास लाके आप फोटोज क्लिक कर सकते हो इस टेलीफोटो लेंस की मदद से। लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर जहां पर जो लाइटिंग है वो कम है या फिर कह लो लो लाइट कंडीशन में यहां पर अक्सर अगर आप अपने स्मार्टफोन से टेलीफोटो लेंस का इस्तेमाल करना चाहोगे तो शायद आप नहीं कर सकते। जी हाँ, टेलीफोटो जो लेंस है वो लो लाइट में काम अच्छे से नहीं करता, कई बार काम नहीं करता। यहां पर आप अगर कोई भी फोटो अगर आप लेना चाहते हो इंडो लाइटिंग कंडीशन में या फिर जहां पर लो लाइट कंडीशन, वहां पर अगर आप टेलीफोटो लेंस का यूज करना चाहोगे तो आपका जो स्मार्टफोन का कैमरा है वो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा दोस्तों मेन कैमरे में। जी हाँ, आसान भाषा यहाँ पे दोस्तों मैं कहूं तो आपके स्मार्टफोन का जो कैमरा है ना वो लो लाइट में यहाँ पर टेलीफोटो लेंस को यूज करने नहीं देता, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मेन कैमरे में या फिर कह लो मेन सेंसर में स्विच हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर लो लाइट में यहाँ पर टेलीफोटो लेंस से अगर आप कोई फोटो लोगे यहाँ पर तो जो ओवरऑल पिक्चर आपको देखने को मिलेगा वो बहुत ज्यादा नॉइज देखने को मिलेगा, इतनी अच्छी आपको ओवरऑल जो पिक्चर क्वालिटी है वो देखने को खास देखने को नहीं मिलेगा। इसी वजह से यहाँ पर जो आपका स्मार्टफोन कैमरा होता है वो स्मार्ट होता है, इसलिए उसका स्मार्टफोन नाम दिया गया है। तो जो कैमरा है वो ऑटोमेटिकली मेन कैमरे में स्विच हो जाता है जहां पर वो मेन कैमरे का इस्तेमाल करता है और वहां पर वो 2x डिजिटल जूम का इस्तेमाल करता है, जिससे आपको लगता है कि या आपने एक टेलीफोटो या फिर कह लो टेलीफोटो लेंस से कोई फोटो क्लिक किया है।